जिसके पास, जैसे कि क्या ये ला वो ला, कितने में सिक्योरिटी। मैं बच्चे कपड़े लाई, मैं स्कूटी का पंचर हो गया, वो पंचर में उड़ा के आई, तो ये मेरा काम नहीं था। आप एक बार में नहीं लेकर मेरी स्कूटी पंचर हो गई थी। तो दिस इज योर फॉल्ट नॉट माइन। ये बता दो तो मैं कैसी लग रही हूँ कैमरे में? हॉट। अच्छी लग रही हूँ? प्यारी प्यारी। ओके थैंक यू। चलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ग्लैमर सेंसेशन फीट स्नेहा। तो गाइज काफ़ी दिन से ब्लॉग्स नहीं बन रहे थे क्योंकि तबीयत सही नहीं थी मेरी बिल्कुल, और आज है लोहड़ी तो हम जा रहे हैं अंजलि के घर। छोटा सा लोहड़ी सेलिब्रेशन है तो हम लोग हाँ पंजाबीज की तरह रेडी तो नहीं हुए हैं क्योंकि मैं हुई हूँ कुर्ती पहनी तो परांदा कहाँ है तुम्हारा? मैं लास्ट टाइम जब लोहड़ी पार्टी थी ना तो मैं अच्छे से रेडी पर आई थी, फुल ऑन परांदा टाइप लगा कर आई थी, तो इस बार तबीयत ही सही नहीं थी आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस नहीं तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अंजलि के घर, ये चला रही है स्कूटी और मैंने इसका बैग टांग रखा है पीछे, तो चलो अभी हम जा रहे हैं अंजलि के घर, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। ओके बाय। तो गाइस फाइनली हम अंजलि के घर आ ही गए हैं, बस यहाँ इसका घर है इस गली में, तो देखते हैं क्या होता है आज, बहुत मजा आने वाला है और हमारे बच्चे भी होंगे छोटे छोटे। तो गाइस लेट्स गो इनसाइड। और वो बैग उठाना ना। हाय राधिका व्हाट्स अप, कोई है? आंटी नमस्ते। शूज पहन रखे हैं, शूज उतार, शूज उतारो ना। मैं उतार दिया तुमने तो अकेले। आंटी नमस्ते, हैप्पी लोहड़ी। अंजलि का है? तूने क्या कर रहा था? अंजलि का आंटी, अंजलि का आंटी वो भी पी गई है सामान। ओह माय गॉड। तो गाइस हम घर तो आ चुके हैं बट अंजलि तो है ही नहीं घर पर। कहाँ गई अंजलि? क्या सामान लेने गई? ये कहाँ तक गई? किप्स तक? उसके घर पे भेजना था सामान को। कोई पूछो जरा। हाँ हेलो। तो गाइस अंजलि ने तो धोखा दे दिया इन टाइम पर, पूछ लेना फोन करके पता चला। मुझे लग रहा है किप्स ही गई होगी, लेने क्या गई है? सब आने वाले होंगे, अभी तो कोई आया नहीं ना। ओके तो गाइस इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है आज। बच्चे गए? अभी आई नहीं है वो, तो हम ही आज जल्दी आ गए। हम सेकंड है गाइस, ये फर्स्ट है। गाइस आप अंजलि की हालत देख सकते हो, ये गई थी दही, ये गई थी दही लेने। ये दही है दूध है? छुपा के लाई थे मंकी से यहाँ पे। मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था कि तुमने आज अच्छे के मैं तो वो वीडियो बना रही है तुम्हारी। मुझे तो पता ही नहीं था कौन क्या पैसे कर रही हूँ, कौन मैंने क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कौन इसकी चाची? इसकी इसकी बड़ी ताई बिछ ली है गाइस, यहाँ बिछड़ गई है जब आंटी और रोशनी के बीच में, तो मैं हम मार डालेंगे इसके आपकी। क्या हाँ आंटी तो नहीं पहन, कुछ नहीं बता रहे हम। क्यों आंटी गले तो मिल लो लोड़ी, हम कल शादी में जाएंगे। क्या है? कल हम आली की शादी में जा रहे हैं। तो जाओ, तो जाओ। स्नेहा मिस कर रही थी। आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग हमको। हाँ आई विल मिस यू बहुत। अरे ये जैकेट तो आ गई कैसे? हाउ हैप्पी लोहड़ी। मुझे आता है परांदा बांधना बट मैं बांध कर नहीं आई हूँ, पिछली बार मैं अच्छे से रेडी हुई थी ना। मेरे बच्चों की पहली लोहड़ी। तो गाइस मैं लग नहीं रही ना, पंजाबी पंजाबी लोहड़ी है। क्यों लोहड़ी तो अभी पैदा हुई है क्या? पंजाबी में अभी घुसी हूँ ना। क्यों मेरी शादी मेरे जीजा पंजाबी है ना। ओके सही है। ढोल वाले बुलाए तो ना जाएंगे। थोड़ा सा मेकअप अंजलि तुम अभी तो रेडी क्यों नहीं हुई हो? ये मेरे ऑफिस के कपड़े, क्योंकि मैं बार बार कभी ये ला कभी वो ला सामान लेकर आ रही हूँ बार बार मैं। गया तो कब लोग कब आएंगे सब लोग? जिसके पास जैसे कि क्या ये ला वो ला, कितने में सिक्योरिटी। मैं बच्चे कपड़े लाई, मैं स्कूटी का पंचर हो गया, वो पंचर में उड़ा कर आई, तो ये मेरा काम नहीं था। और मैं काम नहीं था रख के लकड़ियां लेकर आई हूँ मैं, तो तूने हमारे पे एहसान करा, तूने हमारे पे एहसान करा।
निकालोगी तो पूरा दिन निकालोगी, दिमाग से चलोगी तो एक बार में ही सारा काम हो जाता है। यस आंटी यू आर राइट। आप एक बार में नहीं लेकर आए, मेरी स्कूटी पंचर हो गई थी। तो दिस इज योर फॉल्ट नॉट माइन। ये क्या था? ऐसे करके फिर ये हटा दियो, कुछ नहीं हटेगा। क्या बोली? आई हूँ ये वाली हुई ठीक है। अरे क्या मेरी दवाई है? दवाई कैसी? इसको माँ की कोई चिंता नहीं है। माँ को खांसी करते समय कुछ कुछ हो रहा है। चिंता। अरे वो चंद्र दिन रात हो गई थी सिर्फ। आपको ये मालूम है? पढ़ना सब लोगों के अपने अपने बंदे हैं, पर माँ का बंदा सिर्फ तू है। मैं तो कह रही हूँ, मेरे को ध्यान नहीं होती। नहीं पापा ला दो मुझे। शुगर डैडी, शुगर डैडी। आंटी पागल और डाल देगी। व्हाट नॉनसेंस, शुगर डैडी क्या होता है? आंटी आपको उसने शुगर डैडी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी मैंने। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? अभी हटा ये सब। तुम लोगों ने ऐसे कैसे फेंक रखा है? व्हाट इज दिस आंटी? ये दिल्ली वाला कौन है? सरोजनी के कपड़े पहने। यार आंटी मैं लग नहीं रही हूँ, लोहड़ी पार्टी में आई हूँ। आंटी तुम लोग मुझे चैन से रहने मत देना बिल्कुल भी, कोई भी। भाई दीदी सच से बताना, क्या सूट पहनू की ना पहनू? पहनो, मेरे ढोल बुलाया तो फिर आओ कपड़े पूरे लगा ले। एक कपड़े नहीं है। आओ पर आओ। बाय आंटी, हम जा रहे हैं, हम चलते हैं अंजलि के रूम में। आओ यार, पता है मेरे पास भी रखे थे परांदे, मुझसे कह देते तुम लोग। अब मैं यार मुझे लगा मैं ऐसे ही रहूंगी, अब वैसे मैं नहीं, मैं ऐसे रह लेती हूँ, चेंज नहीं कर रही। तू करेगी तो करना। हाँ डांस ही तो करना है, तो ऐसे भी कर लेंगे ना। ओके यो गाइस, देखा आपने आंटी का गुस्सा? ऐसे ही है हमारी आंटी। तो गाइस अभी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, अभी हम रेडी होने वाले हैं, तो आपसे मिलते हैं रेडी होने के बाद। ठीक है जल्दी से रेडी हो जाओ अंजलि। ओके पकड़ो अपने कपड़े। मेरे कपड़े तो नहीं है किसी के। तू ये पहन ले, बहुत स्मार्ट लगेगी। मैं नहीं पहन रही हूँ। बहुत स्मार्ट लगेगी, समझ मेरी बात को। ये सही नहीं लग रहा क्या? नहीं पहन सकती है, वैसे सब लोग सूट वूट पहन रहे ना, अन्य भी सूट पहने थे। तू अपना दे देना कोई। मेरे में नहीं है कपड़े, सब तो पहन चुकी है, कौन सा दूं? एक है पर तेरे यही नहीं, ऊपर से चला। अच्छा तुमने मुझे मोटा समझा है क्या? मैं तो देखो मैं एक बात तेरे ब्लॉग पे कहना चाहती हूँ। कहो। मैं अनन्या के ब्लॉग पे ये कहना चाहती हूँ, इन दोनों से थी मैंने एक मिनट, स्नेहा के ब्लॉग पे। आई एम जस्ट टेकिंग माय वर्ड्स बैक। और इन दोनों ने इतनी मेहनत करी, डाइटिंग करी, और उसके बाद दोबारा रीगेन कर लिया, क्या फायदा? मैंने तो कुछ किया नहीं, एवरग्रीन। तो यार हमारी भी तो जिंदगी है ना अनन्या, जरूरी थोड़ी कि हमेशा हम उबलावा खाते रहेंगे। यार कह रहे तो मैं देखूं उसको मैं पैकिंग क्या जाने। भैया कपड़े निकालो, पैकिंग कर लो थोड़ी। तो गाइस हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी शेडी होकर, तो मजा आने वाला है काफी। इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। बाय बाय। व्हाट आर यू डूइंग अनन्या? अरे स्नेहा मेरे पास तेरे पास तेरे लिए चीज थी, मैंने तुझे आज तक बताई नहीं। ये देख ये पहन ले। ओ वाह ये मुझे अंजलि के कपड़े मिल रहे हैं किराए पर, आराम से आएगा, पता नहीं कुछ आएगा नहीं आएगा। नीचे का दिखाओ, नीचे कैसे ये देख, ये आ जाएगा पैंट, पर टाइट ना हो पैंट। तो गाइस हम लोग मिलते हैं रेडी होने के बाद, मुझे भी मिल गए हैं किराए के कपड़े। मैं मिलती हूँ रेडी। यार मेरा पराना शेट घर पे रह गया, इस पे बहुत अच्छा लगता है येलो पराना, मैं खरीद लूं जाकर बाहर से। जा ले आ, ले आ हमारे लिए सुबह के लिए, मेरे लिए इयररिंग्स ले आई हो। परांदा लेकर आऊंगी बेटा मैं, कैमरा मत करियो। ओके गाइस हम मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी होकर। बाय। हे गाइस हम कर रहे हैं मेकअप, अंजलि काफी गुस्से में है और मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, कि जो कि कभी नहीं खत्म होता। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हम लोग कैसे लगाए। वाहियात। और किराए के कपड़े, किराए का मेकअप, सब कुछ मुझे किराए पर मिला है, वो मुझे हमेशा मिल जाता है एज यूजुअल। स्नेहा चल ले, हटना स्नेहा, हमें जाना है। ओके गाइस तो अभी हम जा रहे हैं परांदा लेने, परांदा बांधेंगे। गाइस हमारा फाइनल लुक देख सकते हो आप। चलो अब हम जा रहे हैं कहाँ? परांदा लेने। तू भी लगाएगी ना? ना तू भी लगाएगी? मैं लगाऊंगी। आंटी हम लोग रेडी हो गए। हाँ बताइए आंटी।
आंटी बर्तन धोने बता दो, मैं धो दूंगी अभी, जरा सा दुपट्टा वपट्टा बांधती हूँ, बर्तन धोती हूँ, बताओ धोने बर्तन। तुम जैकेट उतार दो। क्यों, अभी ठंड हो रही है ना, अभी हम जा रहे हैं बाहर, पर आंदा ले आए। बता दो तो मैं कैसी लग रही हूँ कैमरे में, अच्छी लग रही हूँ? प्यारी प्यारी। ओके थैंक यू। चलो पर आंदा लेने जा रहे हैं। परांदा लेने का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि हम लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, और ठंड भी काफ़ी हो रही है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं, एक फ्रेंड है उसके मॉम डैड से मिलने, उनको भी लोहड़ी विश करने जा रही है अनन्या। अनन्या के बाल उड़ जाते हैं पूरे टाइम, कोई बात नहीं। तो गाइस कल लेनी की शादी है और मेरे को कुछ काम है तो मैं उसकी शादी में नहीं जा पा रही हूँ, बट आई एम विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट उनकी नई जर्नी के लिए। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो मैं जल्दी मिलूंगी एनी से फ्री होकर। तो गाइस हम लोग बाहर से सामान ले आए और अभी हम लोग हैं किचन में, हम लोग बनाएंगे कुछ खाना। वैसे आंटी ने हमारे लिए मालपुआ बनाया था जो बहुत टेस्टी था, है ना आंटी? काफ़ी टेस्टी था, तो अभी बहुत अच्छा लगा। वो बात अलग की आपने जला हुआ दिया मुझे। मलाई लग, मुझे मलाई पसंद नहीं है, मैं मलाई चेप देती हूँ लोगों को, खाती नहीं हूँ लेकिन, वो तो पता है, बहुत है ना, है ना? यस। तो बताओ अभी तो कुछ नहीं करना, बैठ जाए अभी। ये इधर आ। क्या करना है? कोल्ड ड्रिंक सही से रखूं क्या? टेढ़ी पड़ी हुई है स्नेहा, कैसे काम कर रही हूँ? तो गाइस अभी हम बना रहे हैं टिक्कियां, मैं दिखाती हूँ आपको अपने कैमरे से भी और उसके कैमरे से भी। बनाओ गाइस, अभी गेस्ट आने वाले हैं और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब रेडी है, आंटी ने सब कुछ रेडी कर दिया है। यहाँ अंजलि बना रही है टिक्कियाँ, तो अभी हम मिलवाएंगे आपको सारे गेस्ट से, तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। इसमें अभी मालपुए बनाया था और ये मीठा होगा, और मम्मी तेल मीठा होगा मालपुए वाला? मीठा तो हो गया होगा बेटा क्योंकि वो मीठे थे ना। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारी टिक्किया बन रही हैं। गाइस अब टिक्किया खा लो आकर। गाइस पापे खा लो, स्नेहा के पापे। मेरे बॉडी में मैं स्नेहा के पापे खा लो। बना रही है पापे और ले ब्रेड कम है ना, देखो सही रखो, नहीं डालूंगी आधी, वही तो मैं कह रही हूँ। अरे तुम छोटी छोटी बड़ी बड़ी बना रहे, क्यूट क्यूट। हम क्यूट क्यूट टिक्किया बना, थोड़ा ना एक साथ आपकी बार गरम गरम टिक्की गाइस खा लीजिए आप लोग। मुझे हाँ लकड़ी भी लगानी है। गाइस हम ये देखिए कितनी काम करने वाली लड़की है, देखो काम कर रही है। अरे क्या किया, अरे रुक जा, सही है रुक जा, वो रेड हो रही है ना नीचे से। गाइज हमारी टिक्कियां ऑलमोस्ट बन चुकी हैं और बस थोड़ी सी क्रिस्पी हो रही है, तो हम बस टिक्कियां बनाने के बाद जाएंगे भांगड़ा करने। भांगड़ा करने किसमें आंटी? ऑयल आ रहा है ना, तो तभी अब तुम लोग गैस हल्की मत करना, ठीक है? हल्की करने से हुआ ये जो हुआ, हल्की पे यही कर रहे थे अंजलि, अंजलि क्रिस्पी बहुत रहे थे। हाँ अंजलि परमानेंट हल्की डालो, हाँ ऐसी डाल, पता है वो अंदर से ना वैसी हो रही है, अगर हम इसको पतली कर रहे हैं ना मजा नहीं आ रहा। वो ये देखिए आंटी ये बनी है,
खाने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। बस इसको बनने के बाद हम लोग चलते हैं भांगड़ा करने, मिट्ठू और बच्चे भी आने वाले हैं। बस भांगड़ा स्टार्ट। अरे तुम खाती रहोगी क्या इसमें से? डांस चल रहा है, आप ढोल की आवाज सुन रहे होगे। तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो आप सबको हैप्पी लोहड़ी। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, और अब जल्दी ब्लॉग्स आएंगे क्योंकि तबीयत खराब थी तो ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहे थे, मतलब मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, बहुत फीवर था मुझे गाइस। तो फाइनली ब्लॉग बन गया और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार देना। तो बाय, सी यू ऑल सून, बाय बाय।